क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.6 बेस्ड ऑन लियोंटिस इनपुट आउटपुट मॉडल, ये हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन है इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 की आउटपुट जो है 16 यूनिट अपने लिए यूज करती है एंड 8 यूनिट वो दूसरी इंडस्ट्री को देती है। सिमिलरली 20 यूनिट्स जो है सेकंड इंडस्ट्री वो फर्स्ट इंडस्ट्री को देती है और 40 यूनिट अपने लिए रखती है। और मैंने आप लोगों को ये बोला था कि इन सब का सम टोटल जो है वो इसके बराबर होता है, चेक कर सकते हैं 16 + 20 = 36 + 4 = 40। सिमिलरली 8 + 40 = 48 + 32 कम्स आउट टू बी 80। तो टोटल आउटपुट जो है वो इन तीनों का सम होता है। अब इसके अकॉर्डिंगली बेटा मैंने आपको बताया था, फर्स्टली वी विल मेक सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू मेक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को बेटा जी इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, याद रखिएगा इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स। अगर कई बार क्वेश्चन में कहा होता है प्रिपेयर इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने किया नहीं है, जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है इसी को इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स बोला जाता है। अब इसके अकॉर्डिंगली कैपिटल ए हमारे पास क्या आता है बेटा जी, फॉर्मूला लगाना है ए आई जे इज इक्वल्स टू एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे। अब यहाँ पे ये कंसिडर कीजिए, दिस इज A11 जो 16 है, दिस इज A21 एंड सिमिलरली दिस इज A12 एंड दिस इज A22। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे AIJ बनाना है, दैट विल कम आउट टू बी XIJ ओवर XJ। यहाँ पे बेटा X लिखना है, A नहीं लिखना, A तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के लिए वर्ड यूज करना है, सो इट विल बी X11, X12 एंड देन X21 एंड X22। तो अब सबसे पहले जब मैंने A11 एलिमेंट बनाना है तो 16 विल बी डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 16/40। सेकंड मेरे पास बन जाएगा 8/40, क्योंकि यहां पे चेक कीजिए A21 है तो ये X1 से डिवाइड होएगा। इसी तरह से अगला जो है 20, इट विल बी डिवाइडेड बाय 80, क्योंकि ये X12 है, दिस इज X1 एंड दिस इज X2। और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे होता है उसी नंबर के साथ हम लोगों ने डिवाइड करना है। इसी तरह से नेक्स्ट 40 विल बी डिवाइडेड बाय 80। तो हमारा जो इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स या टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बनती है बेटा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 8 के टेबल पे कैंसल आउट हो गया, इट विल बी 2/5, 1/4 एंड इट इज 1/5 एंड इट इज 1/2। तो ये हमारे पास कैपिटल ए मैट्रिक्स बन जाता है। अब बेटा इसके साथ देखिए, पहला आंसर था फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसके बाद ये कहा इफ द न्यू डिमांड्स आर 18 and 14, मतलब जो ये फाइनल डिमांड थी इसकी बजाय अब हमारे पास न्यू डिमांड्स आ गई हैं 18 and 44 units। तो कहता है कि अब अगर न्यू डिमांड 18 और 44 units हो गई है तो चेक कीजिए हमारे पास कैपिटल एक्स जो है, पहले 40 और 80 था, अब वो चेंज हो गए Y1 और Y2 हो जाएगा एंड दिस फाइनल आउटपुट वी हैव टू फाइंड आउट। ये चीजें हम लोगों को गिवन थी, लेकिन कहता है फाइनल डिमांड जो 4 और 32 की बजाय अब हमारे पास 18 और 44 रह गया है, 18 और 44 चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है टोटल आउटपुट Y1 और Y2 की कितनी होगी। ठीक है जी, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट में कर लिया है। अब इट एम्प्लाइज बाय Leontief's input output model, Leontief's input output model, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए का होल इनवर्स इंटू डी। मतलब क्या है, जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और उसके साथ डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज आई कितना है हमारे पास 1001, ये हो जाएगा माइनस जो ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है 2/5, 1/4, 1/5, 1/2 और इस सारी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है और इसके साथ डी को मल्टीप्लाई कर देना है 18/44 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना नोट कर लीजिए पुत्र जी। कंटिन्यूइंग फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ Y1 Y2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा 1 में से 2/5 माइनस किया तो 3/5 रह जाता है, 0 में से 1/4 माइनस किया -1/4,
जीरो में से वन बाय फाइव माइनस किया माइनस वन बाय फाइव और वन में से वन बाय टू माइनस किया इट इज वन बाय टू एंड दिस इज रिजल्टेंट मैट्रिक्स और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है आफ्टर दिस 18 एंड 44। ना बेटा इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि डिटर्मिनेंट आई माइनस ए कितना आता है। आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट चेक कीजिए, यह आता है 3/10 माइनस 1/20। एलसीएम लेते हैं, दिस इज 20, यह जाता है 6 माइनस 1 दैट इज 5/20 व्हिच कम्स आउट टू बी 1/4 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां से हम लोग लिखते हैं y1 y2 will be equals to 1 over determinant, याद कीजिए a inverse का फार्मूला क्या होता है 1 by determinant a into adjoint a। adjoint a अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना i minus a का। adjoint a मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे बेटा जी 3/5 1/2 एज इट इज रह जाएगा हमारे पास, नहीं इनको इंटरचेंज करना होता है 1/2 3/5 और इसके बाद 1/4 एज इट इज और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1/5। बेटा दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपके पास कैपिटल मैट्रिक्स कोई a11 a12 a21 और a22 की फॉर्म की होती है और आप उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए, जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर दीजिए a22 a11 और उसके बाद जो ये वाले एलिमेंट होते हैं इनके साइन उल्टे कर देने हैं और इनको अपनी पोजीशन पे ही रहने देना है। इनके साइन उल्टे कर देते हैं हम लोग, जो इधर वाले डायगोनल होता है इनके साइन अपोजिट कर देते होते हैं और इनको अपनी पोजीशन पे ही रहने देना होता है। अगर नहीं तो आप लोग एडजॉइंट के तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, ए पहले तो एडजॉइंट ए करना होता है तो उसके बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है, तो ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली आपके पास आंसर यही आएगा। दोबारा बता रहा हूं कि जो ये डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर देना है इनकी पोजीशन और जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले इनको इंटरचेंज नहीं करना है लेकिन इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर माइनस का होगा तो प्लस कर देना, अगर प्लस का होगा तो माइनस कर देना। अब यहां पे देखिए 1/2 और 3/5 ये देखो मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और उसका जो दूसरा डायगोनल था -1/4 -1/5 उनको उनकी पोजीशन पे ही रहने दिया लेकिन सिर्फ उनका साइन चेंज कर दिया। ये बेटा शॉर्टकट मेथड होता है फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोगों को इनवर्स फाइंड आउट करना तो हम लोग ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि हम लोग वो प्रॉपर कोफैक्टर वगैरह फाइंड आउट करके उसके बाद आंसर निकालें, ठीक है जी। अब यहां पे देखिए ये 1/1/4 इसलिए आया है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1/4 आ गया था और जो फॉर्मूला था 1/डिटर्मिनेंट ए होता है। नाउ दिस विल बिकम 4 × क्योंकि ये 1/4 है ये ऊपर चला जाएगा 1/2 × 18 ये हो जाएगा 9 1/4 × 44 11 1/5 × 18 इट विल बिकम 18/5 प्लस 3/5 × 44 132/5 हो जाता है और जब इसको सॉल्व करते हैं ये 4 × 20 आता है और यहाँ पे आ जाता है 150/5 दैट इज 30 यानी कि 4 × 20 और यहाँ 30 आ जाता है। इट मींस y1 और y2 जो हमारा आउटपुट मॉडल है टोटल 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 80 एंड दिस इज 120। तो इसका मतलब क्या है, y1 हमारे पास क्या था इंडस्ट्री i1 और y2 हमारे पास क्या था इंडस्ट्री i2। तो एंड में लिखेंगे देयरफॉर इंडस्ट्री 1 क्योंकि 1 और 2 लिखा हुआ था इंडस्ट्री 1 टोटल आउटपुट इंडस्ट्री 1 की क्या हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 80 यूनिट्स और इंडस्ट्री 2 जो थी इंडस्ट्री 2 उसकी टोटल आउटपुट कितनी हो जाएगी टोटल आउटपुट will become equals to 120 units. Total output नहीं, final demand हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने जो third column है वो find out करना होता है final demand क्योंकि जो total output है वो हम लोगों को already पता है कि कितनी थी so उसके accordingly हम लोग final demand find out करते हैं हमारे पास क्या आ रही है that is 80 units and 120 units, ठीक है पुत्र जी नोट कर लीजिए इसको बेटा करेक्शन कर लीजिए। फाइनल डिमांड हम लोगों को गिवन थी इन टर्म्स ऑफ डी दैट इज 18 एंड 44 तो यहाँ पे हम लोग टोटल आउटपुट ही लिखेंगे दोनों इंडस्ट्रीज की टोटल आउटपुट।
जो गिवन हम लोगों को वैल्यू थी उसमें टोटल आउटपुट भी गिवन थी और फाइनल डिमांड भी गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर हमारी फाइनल डिमांड 18 और 44 यूनिट हो जाए तो टोटल आउटपुट कितनी है। सो वी हैव टू राइट डाउन टोटल आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आंसर, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द फॉलोइंग इंडस्ट्री ट्रांजैक्शन टेबल वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर इकोनॉमी ऑफ द ईयर 2018। एक तो लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स शोइंग डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स, और उसके साथ लिखा है चेक द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम यूजिंग हॉकिंस साइमन कंडीशन। अब बेटा याद कीजिए हॉकिंस साइमन कंडीशन, पहली कंडीशन थी एक तो आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और दूसरी बात डायगनल एलिमेंट्स जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स हैं ऑफ कैपिटल ए, दीज ऑल आर पॉजिटिव। डायगनल एलिमेंट भी पॉजिटिव होने चाहिए और आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैपिटल ए फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोगों को जो गिवन है, इंडस्ट्री वन प्रोड्यूसेस 500 यूज बाय इटसेल्फ और 1750 ये इंडस्ट्री टू को देती है। अब उसके बाद इंडस्ट्री टू जो है वो 1600 यूनिट्स अपने लिए रखती है और 1600 यूनिट वो आई टू को दे देती है। अब हमने करना क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स के लिए जो टोटल आउटपुट है उससे डिवाइड करना है। नाउ सी हियर, 500 विल बी डिवाइडेड बाय 2500 बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, कौन सा बेटा जी, ए आई जे इज इक्वल टू एक्स आई जे डिवाइडेड बाय एक्स जे। पहला एलिमेंट है टोटल आउटपुट के पहले एलिमेंट से डिवाइड होएगा। इसी तरह से सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है, इट विल बी डिवाइडेड बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टोटल आउटपुट। उसके बाद 1600 डिवाइडेड बाय 8000 ये दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। इसी तरह से अगेन 1600 डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कैपिटल ए हमारे पास बनता है बेटा जी 1/5, यहाँ पे भी 1/5, यहाँ पे भी 1/5। इसको 250 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, 250 के टेबल पे जब इसको डिवाइड किया है, इट विल कम आउट टू बी 7/10, ठीक है, 7/10 आ जाता है। अब सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कैपिटल आई माइनस ए, क्योंकि मुझे हॉकिंस एंड साइमन की कंडीशन भी निकालनी है। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स का आंसर तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि दो क्वेश्चन पूछे, एक टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनानी है और दूसरा हॉकिंस साइमन की कंडीशंस चेक करनी है सेटिस्फाई है या नहीं। तो आई माइनस ए दैट इज 1001 माइनस 1/5, 1/5, 7/10 एंड 1/5। जब इसको माइनस करते हैं 1 - 1/5 को उतर जाता है 4/5, 0 - 1/5 - 1/5, 0 - 7/10 -7/10 और 1 - 1/5 4/5, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए। चेक कीजिए 4/5 × 4/5 16/25 माइनस 1/5 और 7/10, इसको जब माइनस करते हैं तो ये 7/50 आ जाता है। और बेटा जब एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 50 एलसीएम, ये आ गया 32 - 7, तो इट कम्स आउट टू बी 25/50 यानी कि 1/2। 1/2 हमारे पास आ रहा है और विच इज ग्रेटर देन जीरो। चेक कीजिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो, और साथ के साथ देखो ये डायगनल एलिमेंट इसके, चेक कीजिए दिस इज द दीज आर द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये दोनों के दोनों डायगनल एलिमेंट्स जो है पॉजिटिव हैं। तो यहां लिखेंगे बिकॉज आई माइनस ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड डायगनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, डायगनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव। कैपिटल ए के डायगनल एलिमेंट नहीं बेटा, ये यहां पे आई माइनस ए के डायगनल एलिमेंट लिखने हैं, आई माइनस ए। तो एंड द डायगनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, देयरफॉर बाय हॉकिंस साइमन कंडीशन, हॉकिंस साइमन्स कंडीशन, गिवन सिस्टम इज वायबल, गिवन सिस्टम इज वायबल। तो हम लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि ये गिवन सिस्टम वायबल है या नहीं है, ठीक है जी। एक तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी और एक ये चेक करना था कि गिवन सिस्टम जो है वो वायबल है कि नहीं है, और ये दोनों कंडीशंस हम लोगों ने चेक कर ली, दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो गिवन सिस्टम है दैट इज वायबल, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिए बेटा, सिक्स क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो कैपिटल ए टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3/7, उसके बाद 2/13, देन 4/7 एंड देन 6/13। कैपिटल ए हम लोगों को गिवन है, और उसके बाद आउटपुट मैट्रिक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू बेटा जी गिवन है, कैपिटल एक्स इज 42 and 78। और बेटा हम लोगों ने डिमांड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, फाइनल डिमांड्स दैट इज D1 D2 फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्या है, लियोंटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल के अकॉर्डिंगली वी नो दैट, यहां लिखेंगे वी नो दैट बाय लियोंटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल, लियोंटेफ्स इनपुट आउटपुट मॉडल क्या हो जाता है हमारे पास, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स होता है, ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। अब ए मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, दिस इज 3/7, 2/13, 4/7, 6/13, और उसके साथ एक्स मैट्रिक्स हमको गिवन है 42 78, प्लस डी, डी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, दैट इज D1 D2, और उसके बाद दिस इज अगेन इक्वल्स टू 42 and 78। तो पहले ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/7 जब 42 के साथ मल्टीप्लाई होता है बेटा आंसर आता है 18, 2/13 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है 12, 4/7 42 के साथ मल्टीप्लाई होता है इट कम्स आउट टू बी 24, 6/13 कम्स आउट टू बी 36, प्लस यहां पे एज इट इज D1 D2, और दिस इज इक्वल्स टू 42 78। Now see here, 18 plus 12, 30, और 24 plus 36 comes out to be 60. इसको दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देते हैं, it implies D1 D2 चेक करते हैं, ये आ जाता है 42 78 minus 30 and 60, 30 और 60 हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं, और हमारे पास आंसर क्या आता है, D1 D2 का आंसर बेटा जी आता है, it comes out to be 42 minus 30 is 12 एंड 78 माइनस 60 हमारे पास आ जाता है 18। तो हमारे पास जो फाइनल डिमांड है, जो तीसरा कॉलम होता है हमारे पास स्टेटमेंट में, फाइनल डिमांड विल कम आउट टू बी 12 एंड 18 यूनिट्स। अब इसके बाद साथ में हमको ये कहा गया है, टेस्ट वेदर आल्सो टेस्ट हॉकिंस साइमन कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। हॉकिंस साइमन कंडीशन भी हम लोगों ने टेस्ट करनी है, और फिर से हॉकिंस साइमन कंडीशन बेटा जी आपने सबसे पहले आई माइनस ए फाइंड आउट करना है, यानी कि जो ये मैट्रिक्स है इसको आई में से माइनस करता हूं, चेक कीजिए 1 में से 3/7 माइनस करते हैं 4/7, बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं -2/13, और उसके बाद फिर से -4/7, और जब इसको 6/13 को 1 में से माइनस करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7/13। डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया आई माइनस ए, और जब आई माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो इसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिएगा, I माइनस ए का डिटर्मिनेंट चेक कीजिए बेटा जी 28/91, और दूसरा जब हम लोग माइनस करते हैं तो चेक कीजिए हमारे पास कितना आ रहा है 8/91, और ये बेटा जी मेरे पास आता है 20/91, पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक तो देखिए डिटर्मिनेंट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरे देख लीजिए इसके डायगनल एलिमेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, so Hawkins-Simon conditions are satisfied in this case, ठीक है बेटा जी। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो हमारे पास commodity है, इस commodity के accordingly capital X can give 0.6 unit to itself and capital S can give 0.1 unit to Y also, और उसके बाद हमारे पास जो है Y जो है वो क्या करती है कि 0.7 units जो है X को दे देती है और 0.4 unit जो है Y को दे देती है, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है ये ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है, हियर कैपिटल ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। यहां पे लिखेंगे बिकॉज ऑलरेडी वन यूनिट इज गिवन, ऑलरेडी वन यूनिट इज गिवन, तो therefore हमारे पास जो डायरेक्ट मैट्रिक्स आ रही है वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ही आ रही है, और जब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स हमारे पास आएगी कैपिटल ए आ गया हमारे पास, और उसके
जो थर्ड यूनिट बेटा जी हमारे पास होता है, थर्ड यूनिट डिमांड का यूनिट, वो 150 यूनिट्स गिवन है, और हम लोगों को ये कहा गया फाइनल कंजम्पशन के लिए टोटल ग्रॉस आउटपुट कितना होगा। ग्रॉस आउटपुट मतलब क्या है कि हम लोगों ने कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वाई वन वाई टू फाइंड आउट करना है। तो अब किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, अब यहां पे देखिए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, आई माइनस ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो पहले मैंने डायरेक्टली आई माइनस ए फाइंड आउट कर लिया है। नाउ आई माइनस ए फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.1 और 0.6 रह जाता है। नाउ टू फाइंड आउट इट्स इनवर्स, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। यहां साइड में मैं फाइंड आउट कर लेता हूं डिटरमिनेंट, आई माइनस ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 0.24 माइनस 0.07 और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.17 यूनिट मेरे पास आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1/0.17, और जब इसका एडजॉइंट लिखना है इनको इंटरचेंज कर देना है, पहले डायगनल एलिमेंट को और दूसरे डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं करना, लेकिन उनके साइन चेंज कर देने, इट विल बी 0.7 एंड 0.1 और उसके बाद 150 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा, 150 यूनिट्स, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 100/17, बेटा इसका डेसिमल हटा के ऊपर 100 कर दिया है, एंड आफ्टर दिस 0.6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 60 + 0.5 × 50 = 35, और उसके बाद 0.1 × 100 = 10 प्लस 0.4 × 50 = 20 आ जाता है हमारे पास, एंड दिस विल कम आउट टू बी 100/17 × 95 और ये 30 हमारे पास आ जाता है, चेक कीजिए। और उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी, 100 इधर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा, see here, it will come out to be 9500 / 17 और दूसरा 3000/17 और बेटा जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल एक्स वाई वन वाई टू लिख लेता हूँ, कैपिटल एक्स की वैल्यू वाई वन वाई टू, और इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे then you will get your required answer in terms of decimals, ठीक है।